तो गाइज हम यहाँ पर जो अर्थिंग है वो अलग से लगा के देखते हैं, शायद बाइक स्टार्ट हो जाए। यदि होता है तो प्रॉब्लम यहीं से सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो गाइज हमने CDI यूनिट को यहाँ से डायरेक्ट अर्थ अभी नहीं दिया है, अभी हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। स्विच इसका ऑन है और यहाँ से किक लगा के देखते हैं। तो अभी ये स्टार्ट नहीं हो रही, ठीक है। अब हम इसको हम अर्थिंग लगा के देखते हैं। इधर लगा हुआ, इधर सॉकर भी लगा के दिखा, ठीक है, यहाँ लगा। तो गाइज अब देखते हैं ये अर्थिंग की प्रॉब्लम चल रही थी क्या इसके अंदर, जो ये ठीक हो जाती है नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं हमने अलग से अर्थिंग दिया, फिर भी जो है बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। इसके अंदर फिर से वही प्रॉब्लम है, करंट नहीं आ रहा। तो ये समस्या और गंभीर हो चुकी है क्योंकि हमने यहाँ से डायरेक्ट अर्थिंग इसको लगा के देख लिया था। सभी को नमस्कार, हर हर महादेव। तो गाइज ये जो बाइक आप देख रहे हैं इसको बहुत परेशान हूँ, 15 दिन से परेशान हूँ। आज फिर सुबह सुबह देखिए ये मैं इन घर आया हूँ, जिनकी ये बाइक है उनके घर आया हूँ, तो आज भी प्रॉब्लम इस बाइक के अंदर क्या है, ये बाइक सुबह के समय स्टार्ट नहीं होती। मैं इसका स्विच ऑन करता हूँ, स्विच ऑन किया तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि भाई ये जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही। देखिए सुबह के समय जो है ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसके अंदर जो स्पार्क करंट है वो नहीं आता। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पर जो प्रॉब्लम चल रहा है वो स्पार्क करंट का चल रहा है। किक लगा भाई, तो देख सकते हैं इसके अंदर जो स्पार्क करंट है वो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, तो मैं आपको इसके अंदर एक चीज दिखाता हूँ, इसके अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहा है आजकल। जैसे हम इसका ये साइड पैनल खोलते हैं, तो गाइज इसका जो CDI यूनिट है, ये जो CDI यूनिट है, यदि हम इसकी सॉकेट रोक भाई इसको, यदि हम इसकी सॉकेट जो है, ये सॉकेट जो है एक बार निकाल देते हैं, जैसे हमने इसकी सॉकेट निकाल दी और वापस लगा देते हैं, लगा रोक कर, ठीक है। तो अब हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं। तो अब देखिए इसके अंदर यही प्रॉब्लम चल रहा है, अब इसके अंदर जो है स्पार्क करंट आ जाएगा। किक लगा भाई दिखा। तो गाइज आप देखिए मार्किक, तो आप देख रहे हैं अब इसके अंदर जो है स्पार्क करंट आ गया है और ये बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो देख सकते हैं ये बाइक जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो सुबह का समय है, मैं फिर स्पेशल जो है इन के घर आया हूँ, जिनकी ये गाड़ी है, मैं स्पेशल बुलाया गया हूँ कि भाई आज फिर ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो यही प्रॉब्लम है दोस्तों, इसका जब हम CDI यूनिट की सॉकेट निकाल देते हैं तो स्टार्ट हो जाती है। अब देखिए मैंने इसके अंदर क्या क्या किया, आप सोच रहे होंगे। तो मैंने कल जो था इसका जो ये तार होता है उसको अलग कर दिया, ये होता है हमारी बाइक को डायरेक्ट करने का। तो पहले तो मैंने इसको, जो पहले दिन जब मैं आया था, तो मैंने इस बाइक को आगे से डायरेक्ट किया था। आगे से डायरेक्ट करने पर भी इस बाइक के अंदर करंट नहीं आया था, ठीक है। तो फिर मैंने जो पहला दिन था उस दिन इसकी सॉकेट बाहर निकाली और वापस लगा दी, ठीक है। जब मैंने इसकी सॉकेट वापस लगाई तो बाइक के अंदर करंट आ गया, तो मैंने सोचा कि शायद इसका CDI में प्रॉब्लम हो सकता है, एक बार इसको चेंज करके देख लो, क्योंकि ये जो बाइक है ये मेरे घर के सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। तो मैंने दुकान पे गया, CDI दूसरा लगाया और चला गया, ठीक है। 2 दिन बाद फिर कॉल आया कि भाई ये जो बाइक है वो स्टार्ट नहीं हो रही, 2 दिन बाद फिर। तो फिर मैंने सोचा कि CDI तो ठीक है, तो फिर ऐसा हो सकता है कि ये जो सॉकेट है ये सॉकेट खराब हो, इसका सॉकेट खराब हो। तो मैंने दोस्तों ये सॉकेट सारा काट कर दिया यहाँ से, आप देख सकते हैं यहाँ पर जॉइंट इसमें लगे हुए हैं। तो मैंने सारी सॉकेट को जो है यहाँ से कट करके अलग से दूसरी सॉकेट इसके अंदर लगा दिया। बाइक 2 दिन ठीक चली, 2 दिन के बाद फिर से वही प्रॉब्लम, सुबह के समय स्टार्ट नहीं हुई। तो यहाँ पर भी सॉल्यूशन नहीं निकला। तो फिर मैंने सोचा कि शायद इस बाइक का जो अर्थिंग है, यहाँ पर इसका अर्थिंग दिया होता है बाइक का, बैटरी के नीचे, यहाँ पर दिखाऊं आपको मैं, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अर्थिंग दिया होता है। तो मैंने उसको यहाँ से काट के, ये देखिए मैंने काट के जो है यहाँ से, इसको अर्थिंग की तार है ये, तो मैंने इसको कट करके दोस्तों यहाँ से जो है छील के दोबारा ये थिम्बल भी दूसरा लगाया, उस पर जंग आ रहा था तो मैंने दूसरा थिम्बल वायरिंग से कट किया और वो लगा दिया, ऑयल वगैरह देके इसको लगा दिया, ताकि अर्थिंग जो है शायद इसको ना मिल रहा हो तब ये प्रॉब्लम आ रहा हो सुबह के समय, क्योंकि कई बार यहाँ पे कार्बन आ जाता है दोस्तों इस थिम्बल में या यहाँ पर, तो तब भी ये प्रॉब्लम आ जाता है। लेकिन तब भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तब मैंने क्या किया, उसके बाद जब ये प्रॉब्लम यहाँ से सॉर्ट नहीं हुआ, तो अगले 2 दिन बाद फिर ये बंद हो गई।
तो दोस्तों मैंने यहां से इसका जो है ये एचटी क्वेल की तार जो है, ये एचटी क्वेल की तार, तो क्या किया इसकी एचटी क्वेल की तार यहां से निकाली सुबह आके जब करंट आया था, और इस तार के अंदर यहां पर इस हिस्से में ये तार ऊपर जाती है एचटी क्वेल पे, यहां पर एक तार का टुकड़ा लिया और स्विच ऑन करके यहां पर स्पार्किंग करके देखा तो यहां पर स्पार्क नहीं आ रहा था। तो यदि यहां पे स्पार्क नहीं आ रहा तो इसका मतलब ये डाउट क्लियर हो गया था कि इस बाइक के अंदर जो एचटी क्वेल लगी है, ये जो क्वेल लगी है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यदि यहां पे करंट आ जाता तो फिर तो एचटी क्वेल में फॉल्ट होता, लेकिन यहां पर करंट नहीं था तो इसका मतलब ये है कि एचटी क्वेल में कोई फॉल्ट नहीं था, इसकी एचटी क्वेल भी ठीक है। तो दोस्तों यहां तक तो आपने देख लिया कि मैंने इसके अंदर ये कर दिया, ये डायरेक्ट करके भी देख लिया, मैं दो दिन पहले इसको ही डायरेक्ट करके गया था कि शायद ये वायरिंग कहीं से अर्थ हो और जो स्विच है वो अर्थिंग हो शायद ऑन ऑफ स्विच, तो मैंने यहां से इसको डायरेक्ट करके यहां टेप लगा के चला गया था, लेकिन फिर भी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। तो आज फिर से इसको देखा तो प्रॉब्लम आपके सामने मैंने दिखाया, ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि भाई इसकी जो स्टार्टिंग क्वेल है और पिकअप क्वेल है उसमें प्रॉब्लम होगा, तो उसी का सॉल्यूशन करने के लिए मैं आज फिर आपको दिखाने लाया हूं। मैं ये गन वगैरह लेके आया हूं ताकि इसको मैं खोल के चेक कर सकूं, और आज मैं क्या करने वाला हूं वो भी मैं आपको दिखाने वाला हूं। और दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मैंने इस बाइक की यहां पर जो सॉकेट होती है पिकअप क्वेल की और स्टार्टिंग क्वेल की, मैंने उनको डायरेक्ट करके भी देख लिया था। तो गाइस मैं इसको खोल के दिखाता हूं मैंने इसके अंदर क्या क्या यहां से भी चेंज किया। लभी खोल इस कवर खोल। तो गाइस ये वीडियो मैं इसलिए कट नहीं कर रहा क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला है, यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम देखने को मिला है। आप देख सकते हैं वो रोड है जहां से मैं यहाँ पे आया हूँ, मेरी बाइक खड़ी है जहां पर स्पेशली आया हूँ, और हमारे ताऊजी साथ बैठे हैं जो देख रहे हैं कि क्या हुआ बाइक में, ये भी परेशान है और हम तो हैं ही परेशान। तो इसको खोल के दिखाते हैं आपको, निकाल भाई कवर। तो गाइस इसका कवर हमने खोल दिया है, अब इसका फ्लाईव्हील खोल के दिखाते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ, इसका जो पिकअप क्वेल है आप देख रहे हैं ये नया लगा हुआ है, इसका जो पिकअप क्वेल है वो भी मैंने दोस्तों नया लगा दिया है, ऐसा नहीं है कि पुराना, मैंने बिल्कुल नया लगाया है, आप देख सकते हैं। अब इसको खोलता हूं फिर आपको दिखाता हूं। खोलो भाई। तो यहां पर हम फ्लाईव्हील खोल लेते हैं, तो फ्लाईव्हील को हमने खोल दिया। ये गन जिसका मैं पहले ही आपको एक डेमो दिखा चुका हूं, बड़ी पावरफुल गन है, ऐसी जगह पे बहुत काम आती है। तो लगा भी पुलर लगा, तो अब हम इस पे पुलर लगाएंगे और इसका मैग्नेट खोल के आपको दिखाता हूं। इसका जो फ्लाईव्हील है जो मैग्नेट है वो हमने खोल दिया है और ये आपके सामने है, देख सकते हैं। स्टार्टिंग क्वेल जो है मैंने इसको भी चेंज किया था और स्टार्टिंग क्वेल वही लगी है, ठीक है। तो यहां से जो अर्थिंग वगैरह था वो भी मैंने चेक किया, वैसे यहां पर अर्थिंग लूज भी पड़ जाए तब भी हमने जो था उधर से डायरेक्ट अर्थिंग दिया था तब भी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हुआ। आप सोच रहे हैं कि फिर आज आप क्या करने वाले हैं, प्रॉब्लम यहां तक मैंने आपको इसलिए दिखाया दोस्तों क्योंकि बड़े बड़े मैकेनिक जो हैं वो यूट्यूब पर वीडियो देखते हैं और आपके भाई का भी वीडियो देखते हैं ताकि वो लोग देख सकें कि भाई ने कितनी मेहनत की है। मैंने इसको भी चेंज किया, इसको भी चेंज करके देख लिया, अर्थिंग वगैरह चेक कर लिया, सब ठीक है, और उधर से तो मैंने आपको दिखाई दिया है, ठीक है। प्रॉब्लम करंट किया, करंट नहीं आता। अब रही बात इस स्विच वगैरह की, जब मैंने वहां से डायरेक्ट नीचे से करके देख लिया तो इसका तो कोई काम ही नहीं रहा, ठीक है। तो अब जो है फाइनली मैं एक बार फिर से जो ट्राई करने वाला हूं इस पर ये पिकअप क्वेल जो है दोबारा से दूसरी नई लगा के देखने वाला हूं, तो शायद ऐसा हो सकता है जो हमने पिकअप क्वेल लगाया उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो और उसकी वजह से ये दिक्कत आ रहा हो, क्योंकि बाइक पूरे दिन स्टार्ट रहेगी। अब देखिए जैसे ये स्टार्ट हो गई थी ना बाइक आपके सामने, तो अब ये पूरे दिन बंद नहीं होगी, अब ये स्टार्ट रहेगी। तो अब जो है हम इन फाइनली जो है आज एचटी क्वेल इसके सॉरी जो पिकअप क्वेल है वो हम चेंज करने वाले हैं, जो हमने पहले चेंज किया हुआ है नया पीस फिर से लगा के देखने वाले हैं। शायद ये जो पिकअप क्वेल है उसमें नए में ही प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि ज्यादातर जो केस होते हैं मेरे हिसाब से वो पिकअप क्वेल की वजह से होते हैं, जैसे आपने सीडीआई की सॉकेट निकाली और दोबारा से करंट आ गया तो पिकअप क्वेल की वजह से ऐसा हो सकता है। तो इसको चेंज करते हैं। जो हमने इसमें पिकअप क्वेल लगाई थी पहले भी, अब ये दूसरी लगाई है, और यदि इस बाइक का सॉल्यूशन यहां से हो जाता है तो मैं एक छोटा सा वीडियो बना के वो आपको जरूर बताऊंगा कि इसके अंदर प्रॉब्लम क्या था। यदि ये प्रॉब्लम यहां से सॉर्ट आउट नहीं होता, बाकी तो मैंने आपको दिखा दिया मैंने क्या क्या किया, लेकिन यदि फिर भी कुछ पॉइंट्स यहां से चूक जाता हूं मैं या कोई मुझे एडवाइस देता है यूट्यूब पर, तो मैं वो तरीका भी अपना के देखूंगा यदि ये प्रॉब्लम यहां पर रह जाता है। बस बस।
तो गाइज जो दूसरा पिकअप कॉइल है वो हमने इसके अंदर लगा दिया है। अब बाइक को स्टार्ट करते हैं और फिर वेट करेंगे कोई प्रॉब्लम ना आए। यदि प्रॉब्लम ठीक होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक अलग से वीडियो बना के। तो चलो भाई स्टार्ट करके दिखा, तो एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं। बस ठीक है, तो गाइस देख सकते हैं बाइक जो है स्टार्ट है, जो कॉइल है वो हमने चेंज कर दिया है। अब देखते हैं जो भी रिजल्ट आएगा, प्रॉब्लम कहाँ था इस बाइक के अंदर वो मैं आपको जरूर बताऊंगा। उसके लिए चाहे मुझे छोटा सा एक वीडियो आपके लिए अलग ही क्यों ना बनाना पड़े, ताकि कोई भी भाई मिस्त्री भाई जो है यदि ये प्रॉब्लम ठीक होता है या कोई और फॉल्ट इसके अंदर होता है वो भी मैं चेक करके आपको जरूर बताऊंगा कि कहां पर जो प्रॉब्लम था इस बाइक के अंदर जो 15 दिन से मैं इतना परेशान था। क्योंकि कहते हैं कि कहीं ना कहीं इंसान जीवन भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है, और आप भी उस वीडियो के द्वारा जो है नया कुछ सीखेंगे। यदि प्रॉब्लम यहां से सॉर्ट आउट नहीं होता, यदि हो जाता है तो आपको मैंने दिखा दिया है मैंने क्या क्या इस बाइक के अंदर किया है और आज मैंने क्या किया है। तो गाइस इसी साथ दीजिए अनुमति, फिर मिलेंगे छोटे ही वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव।